हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक नया डोरमेट का डिजाइन बताऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है। इसे मैंने 24 फंदे से बनाया है। आप कपड़े से बना रहे हैं तो इसमें 24 फंदे ही ले। ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इस तरह से 24 फंदे डाल लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा फंदे के भी बना सकते हैं। देखिए इसमें 24 फंदे डाल दिए हैं। अब पहले फंदे से ही बिनेंगे। अगर आप साड़ी को काटकर बना रहे तब भी आप 24 फंदे ही डालिए क्योंकि इसमें फंदा और बढ़ता भी है, तो इसलिए वो मीडियम साइज का बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे है, तो पहले फंदे को इस तरह से उठा लेंगे। दूसरे फंदे से यहाँ पे फंदे बढ़ाना है, तो इस तरह से धागे देखिए उठाएं, धागे को सामने ले आए हैं, इसे सीधा भी नहीं इस तरह से, फिर यहाँ पे इसे सामने ले आएंगे, फिर इसके बाद वाला में भी सीधा भी लेंगे। यहाँ इस तरह से ये जाली बन रहा है। इस तरह से 6 फंदों में इसी तरह करेंगे, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5 ये 6। इस तरह से कर लिए। इधर 18 फंदे बच गए हैं, तो अभी से बिनते हुए नीचे इधर चले आते हैं। उल्टा बिनना है यहाँ से, इस तरह से उल्टा उल्टा बिनना है। अब यहाँ पे 3 फंदे नहीं बिनेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे। पीछे से सबको उल्टा बिनना है, इसे बिनते हैं। ये देखिए जो जाली बन रहा था, यहाँ से जाली बनना शुरू हुआ है, तो सबको पीछे से सभी को उल्टा बिनना है। जो फंदा है और जो जाली है सबको उल्टा बिनना है इस तरह से। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पहले फंदे को उठा लेंगे। अब देखिए ये जाली है और ये चैन है, तो इसे इस तरह से धागे को सामने की तरफ ले आए हैं, देखिए इस तरह से, और इसे इस तरह से लेंगे, इसे यहाँ पे सीधा बिनेंगे। जिससे यहाँ पे 2 फंदा तो एक हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 फंदा बढ़ रहा है, यहाँ पे जाली हो बन रहा है। फिर से इसे सामने ले आएंगे और जहाँ ये जो चैन है और ये जाली है, फिर से इस तरह से दोनों को साथ में ले लेंगे। देखिए ध्यान से इस तरह से साथ में ले लेंगे, इस तरह से इसे बिन लेंगे। तो ये 2 का 1 हो गया और यहाँ पे 1 जाली बन गया। फिर से इसी तरह ये चैन है और ये जाली है, तो इस तरह से इसे कर लेंगे। इधर से लेकिन डालेंगे, इस तरह से धागा सामने है, इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह हो गया, फिर यहाँ है, फिर इसे भी कर लेंगे उसी तरह से, धागे को सामने कर लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे और जो अंत का जाली है, ये अंत वाला है, इसे हम लोग दोनों साथ में लेके नहीं करेंगे। जो यहाँ पे दोनों दो दो को साथ में लेके कर रहे थे, लेकिन अंत में जो जाली बनाए थे इसमें साथ में लेके नहीं करेंगे। जो जाली बना है उसी को सिर्फ लेके करेंगे इस तरह से। ये इसे छोड़ देंगे तो यहाँ पे 1 फंदा बढ़ जाएगा। ये फंदा बढ़ा, बिन देंगे सबको, फिर उल्टा उल्टा बिनते हुए यहाँ पे आएंगे और ये 3 फंदा को छोड़ेंगे। देखिए अब यहाँ ये 3 फंदों को छोड़ देंगे फिर से सेकंड लाइन में और एक पीछे कर देंगे, पीछे से बिनेंगे सबको उल्टा। उल्टी साइड में सबको उल्टा ही बिनना है। देखिए यहाँ पे
चैन है वो उसे भी उल्टा ही बिनना है और जो जाली बन रहा है उसे भी उल्टा ही बिनना है। एक दो लाइन बनाने के बाद ये समझ में आने लगता है कि ये कैसे बन रहा है। ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है, आप इसे थाला पोश की तरह या टेबल मेट की तरह या पूजा का आसन की तरह या डोरमेट की तरह किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 इसमें 4 चैन जा रहा है और बीच बीच में ये जाली बन रहा है। देखिए इस तरह से पहले फंदे उठाएंगे, धागे को सामने की तरफ लाएंगे और ये जो चैन है और ये जाली है तो चैन वाले फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से दोनों को साथ में लेके इस तरह से निकाल लेंगे, जिससे यहाँ दो का तो एक हो गया और यहाँ ये जाली बन गया। फिर सामने ले आएंगे, फिर इन दोनों को एक इसी तरह करेंगे इस तरह से थोड़ा सा गैप करके निकाल लेंगे, फिर सामने कर लेंगे, फिर इन दोनों को फिर सामने कर लेंगे, और ये जो अंत में है जो लास्ट का जाली है उसमें दो को साथ में नहीं लेंगे, ये जो सिर्फ जाली है उसे ही करेंगे। तो इसे सामने कर लेंगे और इसे सीधा इस तरह से बिन लेंगे, जिससे यहाँ एक एक फंदा हर लाइन में बढ़ते ही जाएगा और बाकी को उल्टा बिनेंगे फिर से, जैसे पहले लाइन में किए वैसे ही उल्टा बिनते जाएंगे नीचे की तरफ। इधर में 3 फंदा फिर और छोड़ देंगे। देखिए ये यहाँ पे आ गए हैं, इसे बिन लेते हैं, धागे को पीछे कर लेंगे और ये अच्छे से सबको उल्टा ही बिनना है। चैन जाली चैन जो भी है इसे सबको उल्टा उल्टा बिनना है। सीधी तरफ देखिए इस तरह से 4 चैन जा रहा है जैसे देखिए इसमें जिस तरह 4 चैन जा रहा है और बीच बीच में जाली बन रही है, बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह में इस तरह करते जाएंगे। इसी तरह है, देखिए एक बार और बता दे रही है किस तरह से बना है। इसे सामने ले आएंगे, जो चैन है उसे इस तरह से निकाल लेंगे धागे से इस तरह से, फिर ये जो चैन है और जाली है उसे फिर से इस तरह निकाल लेंगे सीधा बिनेंगे। इसे भी सीधा बिनेंगे, जो अंत में है सिर्फ अंत में ही यहाँ पे देखिए क्या करना है, अंत में ये दो को नहीं लेना है, सिर्फ एक जो जाली है उसे ही सीधा बिनेंगे। यहाँ पे ही इस तरह से फंदा बढ़ रहा है, देखिए ये फंदा बढ़ रहा है धीरे धीरे, वही यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ते जा रहा है हर लाइन में। फिर से बिनते जाएंगे और फिर से 3 फंदा छोड़ देंगे। तो इसमें 24 फंदा हम लोग लिए थे, तो जब तक इस पे 24 फंदा 3-3 फंदा छोड़ते हुए 24 फंदा तक नहीं आ जाते तब तक सेम प्रोसेस है, इसे कर लेते हैं। देखिए जिस तरह इसमें है 3-3 फंदा छोड़े हुए हैं और यहाँ पे 24 फंदा तक इसे बढ़ाते हुए इस तरह से बढ़ा लिए हैं, तो इतना दूर कर लेते हैं। इसमें सेम ही है, इधर वैसे ही बढ़ाना है और जाली और चैन बनाना है और इधर 3-3 फंदा छोड़ना है। चलिए इसे कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको छोड़ते छोड़ते ऊपर की तरफ आ गए हैं, अभी यहाँ पे 21 फंदा तक इसे छोड़ दिए हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जाली बना हुआ है, जैसे कि मतलब 8 जाली बना है मतलब 8 फंदा इसमें बढ़ा हुआ है। तो इधर हम लोग का 18 फंदा था और 26 फंदे हो गए हैं अभी, तो हमें तो इसमें 24 फंदे ही चाहिए। तो इस लाइन में इधर जो 6 फंदे में बनाए थे हम लोग उसे बंद कर लेते हैं इस तरह से, दो दो फंदों को एक कर देंगे,
सारा चैन और सारा जाली को इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए जाली तक बंद कर दिए। तो ये दो फंदा जो एक्स्ट्रा फंदा है इसे भी घटा लेंगे। देखिए घटा लिए इस तरह से। या अब यहाँ पे हम लोगों का 24 फंदा मिल गया है। अब सभी को एक साथ इस तरह से बिन देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ 8 जाली बना तो 8 फंदा बढ़ गया था, इसके वजह से घटाते समय 2 फंदा यहाँ पे, ये 6 फंदा इधर का और यहाँ पे 2 फंदा जो बढ़ा हुआ है उसे भी घटा देंगे, बाकी को एक साथ बिन देंगे। यहाँ उल्टी साइड में दूसरे कलर से बिनाई कर लेंगे। इस उल्टी तरफ से धागा लगा के बीनते हुए इस तरफ चले आते हैं। ये देखिए फिर से यहाँ आ गए। फिर से पहले फंदे को इस तरह से उठा लेंगे, धागा को सामने कर लेंगे, दूसरे को इस तरह से सीधा बिन के जाली बना लेंगे। इस तरह से 6 फंदों में ऐसे ही सीधा बिन बिन के जाली बनाते जाएंगे। पीछे हो गया है, बाकी को उल्टा बिनते जाएंगे। ये नीचे में 3 फंदे छोड़ देंगे, उल्टी साइड में सबको उल्टा ही बिनना है। देखिए फिर से आ गए यहाँ पे, फिर से वही है, पीछे से इस तरह से उठा लेंगे और चैन और जाली को इस तरह से ले लेंगे सीधा से, जिसे इस तरह से निकाल लेते हैं। फिर से सामने कर लेंगे, चैन और जाली को इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से ले लेते हैं और जो फर्स्ट लाइन से यहाँ पे दोनों को साथ में नहीं लेते हुए सिर्फ जाली में एक फंदा बढ़ा देंगे, जिससे यहाँ फंदा बढ़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 18 है, एक एक करके बढ़ेगा तब। तो इस तरह से 8 लाइन हम लोगों को करना है। यहाँ जिस तरह 8 जाली बनाए थे, बिल्कुल यहाँ पर 8 जाली बनाएंगे जिसमें से 8 फंदे भी बढ़ेंगे और अंत में 24 फंदे छोड़ देंगे इस लाइन पे। यहाँ पे 3-3 फंदे छोड़ते हुए 24 फंदे छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग 24 फंदा से हुआ है, इसलिए यहाँ पे 24 फंदा छोड़ देंगे और बाकी को इस तरह से बंद कर देंगे और फिर से बनाएंगे दूसरे कलर से। इसी तरह से सारी कलियों को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी सारी कलियों को कंप्लीट कर लेंगे और अंत में आप बंद कर लेते हैं सारे घरों को। इस तरह से 2 घरों को साथ में बिनते हुए घर को बंद कर लेंगे।
इस तरह से एकदम नीचे तक बंद कर लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।